दोस्तों, चुड़ैलों से भरे हुए एक गांव के अंदर जाने वाले हैं अभिजीत और डॉक्टर तारिका। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई अभिजीत की और डॉक्टर तारिका की, वो एक ऐसे गांव में जाने वाले हैं जो गांव रात को पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। लोग अपने घरों के अंदर छिपे रहते हैं और ये कहा जाता है कि बाहर 4 से 5 चुड़ैले जो है वो घूमती रहती है और जो भी उनके सामने आता है वो उसको अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो क्या सच में ऐसा कोई गांव है जिसके अंदर रात को चुड़ैले घूमती रहती है? दोस्तों, CID के Season 1 में आपने भूत प्रेत के ऊपर आधारित कई सारे ज़बरदस्त एपिसोड्स देखे होंगे, लेकिन Season 2 में जो रोमांचक एपिसोड्स हमें देखने को मिलेंगे वो Season 1 से कई सारे गुण बढ़कर होंगे। यानी कि एक्शन भी ज़बरदस्त होगा, हॉरर भी ज़बरदस्त होगा और एंटरटेनमेंट तो है ही। इसके बदौलत दोस्तों CID का Season 2 जो है वो आसमान की बुलंदियों को छुएगा, ऐसा मेरा मानना है। वैसे दया और अभिजीत जो इस गांव के अंदर जाने वाले हैं, इसके अंदर दोस्तों कई सारे लोगों की मौत पहले ही हो चुकी है और कई सारे लोग गायब भी हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि इस गाँव के अंदर करीबन 500 किलो सोना जो है वो किसी ने छुपा कर रखा है और उसी ने ही ऐसी अफवाह फैलाया है कि इस गांव के अंदर चुड़ैल घूमते हैं ताकि वो धीरे धीरे करके अपना सोना जो है वो जहां उसको भेजना है आराम से भेज सके और कोई उसको रोके ना। अब देखते हैं अभिजीत और डॉक्टर तारिका इस सोने को हासिल कर पाएंगे या नहीं।